रविवार को कानपुर नगर की घाटमपुर विधानसभा में अपना दल निषाद पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन विधायक सरोज कुरील ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को अनूठे अंदाज में मनाया। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण जन के बीच जन्मदिवस मनाते हुए विधायक निधि से सौगातें बांटते हुए औरिया ग्राम पंचायत में 8,44,000 रुपये की लागत से बनने वाली 200 मीटर इंटरलॉकिंग रोड का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ प्रधान अमरनाथ कुरील, शिवकर्णनाथ मिश्रा, गंगा शंकर तिवारी, राहुल शुक्ला, आनंद दुबे, बलराम सिंह, मंडल महामंत्री ओमजी तिवारी, मंडल अध्यक्ष सचिन शुक्ला, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा शक्ति केंद्र संयोजक भारतीय जनता पार्टी अमोल सिंह चौहान, राधे श्याम तिवारी ग्राम प्रधान इटर्रा, राजेश सिंह चौहान प्रधान मिर्जापुर, प्रतीक पांडे, दीपू शुक्ला, शत्रुघ्न सिंह प्रधान श्योदी, आनंद कुरील, हरिलाल कुरील, रंजीत सोनकर, बाबरा सोनकर, अंकित गौतम, दीपू कुशवाहा प्रधान तिलसड़ा, तन्मय तिवारी, वैभव तिवारी, टुनटुन पांडे, कमला कुरील, मनीष तिवारी विधायक प्रतिनिधि घाटमपुर मौजूद रहे। इसी कड़ी में विधायक घाटमपुर सरोज कुरील ने ग्राम चाइनापुर में मुरलीपुरा तक शिलान्यास कार्य किया। लगभग 700 मीटर की दूरी, अनुमानित लागत 44,73,000 रुपये की शिलान्यास कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस अवसर पर प्रधान सतीश चंद्र, जयराम गुलाम सचान, शिवम प्रसाद कामता, ममता प्रसाद सचान, विजय सिंह सचान, शैलेंद्र सचान, शिवलाल पाल, रामस्वरूप संखवार, जितेंद्र सचान प्रधान मवई, माधव, संजीव कुमार उर्फ पप्पू सचान पूर्व प्रधान बारा दौलतपुर, राम प्रताप कुशवाहा, बहादुर केवट सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। वहीं विधायक सरोज कुरील के द्वारा ग्राम पंचायत सदोली में भी 520 मीटर इंटरलॉकिंग लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल रहकर लोकार्पण किया, जिसकी अनुमानित लागत 29,00,000 रुपये आंकी जा रही है। ग्राम नंदना में ओमजी तिवारी मंडल अध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान पति रोहित त्रिपाठी के साथ विधायक सरोज कुरील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को ग्रामीण जन के साथ मिठाई वितरित करते हुए मनाया। पूरे दिन विधायक सरोज कुरील ने एक साथ इतने कार्यक्रमों में शामिल होकर प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर विधायक निधि से सौगातें देकर और ग्रामीण महिलाओं और ग्रामीण जन के बीच पहुंचकर एक मिसाल कायम की है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। विधायक प्रतिनिधि मनीष तिवारी ने बताया कि विधायक कुरील के शेष कार्यकाल में भी क्षेत्र में विकास कार्य निरंतर चलते रहेंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट।